दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर ख्याति हासिल कर चुके अक्षरधाम मंदिर को अब जल्द ही यूएई की धरती पर भी देखा जा सकेगा। अबू धाबी में बनने वाले इस मंदिर की वर्चुअल झलक दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में देखी जा सकेगी। इस मंदिर को 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अपनी इस खास रिपोर्ट में वर्चुअल और 3D डिस्प्ले के जरिए आपको इस भव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। वैसे तो भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन दिल्ली का अक्षरधाम एक ऐसी इमारत, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसे देश भर ही नहीं दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। और अब ऐसी एक मंदिर की योजना यहाँ अबू धाबी में लाने की है और उसका एक नमूना यहाँ पर दर्शाया गया है। कैसे अबू धाबी के डेजर्ट में अब अक्षरधाम की ही तर्ज पर एक मंदिर बनाया जाएगा। यूएई की सरकार ने इसके लिए जमीन पहले से ही भारत सरकार को दे रखी है और ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल गंगा यमुना की और सरस्वती जिसका मेल हम इलाहाबाद में देखते हैं, वो यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी। वर्चुअल तौर पे ही सही, लेकिन अभी हम आपको इसका एक नमूना दिखा रहे हैं। आगे से जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको डेजर्ट नज़र आएगा, यानी कि रेत ही रेत जैसा स्ट्रक्चर, और जब पीछे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर किसी नदी पर स्थित है। और ज़बरदस्त लाइटिंग के साथ इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 900 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण होगा। तो ये पहली तस्वीर, पहली झलक यहाँ पर खुद दुबई में इस इंडिया पवेलियन में आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आप यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के पवेलियन में आते हैं तो ये एक नमूना आपको दिखाई देगा अक्षरधाम मंदिर का, जो अब सिर्फ भारत ही नहीं, अब दिखाई देगा यूएई में, अबू धाबी में। और इसे दरअसल पूरी तरीके से जो दिल्ली में अक्षरधाम है उसकी तर्ज पे बनाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भी एक आकर्षण का केंद्र ये बना रहे। अक्षरधाम मंदिर केवल यूएई में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे 713 मंदिर मौजूद हैं। दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अबू धाबी में बनने वाले अक्षरधाम मंदिर की बनावट बाकी तमाम मंदिरों से मिलती जुलती होगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर भारत से लाया जाएगा और नक्काशी के लिए भारत के ही मंदिरों से प्रेरणा ली जाएगी।